ठाठ मन के कढ़ाव है। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे बारात लगना शुरू हो गई है। और लेट हो गया क्या? यहाँ से बारात आपकी स्टार्ट है, तो ये आपका घोड़ों का सेक्शन है पीछे है, और यहाँ पे हमारे मौदा में घोड़ों का डांस बड़ा फेमस है, मैं हर बार बताता हूँ। और अब देखो घोड़ा डांस भी करेगा।
बहुत देर में दिखाई दी है। बंद हो चुका है लेकिन फिर भी अभी हम लोग का जो जोश है वो स्टार्ट है, थोड़ा सा बस आ गया। अब आ गई दूल्हे की गाड़ी अभी हरियाणा में। दोस्तों सो अब वहाँ से डीजे वीजे का माहौल खत्म हो गया है एंड अब निकल आए हम निकाह के लिए। सो भी देख रहे हैं निकाह से पहले पहले कौन कौन निपट रहा है। खैरियत से? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। मैंने एक झलक देखी थी वहाँ रोड में। खैरियत से? और भाई खाना पीना हो गया? लग रहा है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो बढ़िया है। मैं कल आया था सुबह। हाँ आप कब आ रहे हैं? तुम लोग बुलाते नहीं हो? नहीं नहीं, अब अली भी कहाँ बुलाता है? रूपी मिली थी ना, तो मैंने कहा कि माँ को बुलाया थोड़ी जाता है। निपट लिया अकेले अकेले निपट लिया। निपट लिया निकाह के बाद ज्यादा भुकान है। अब दोस्त आए, पानी का पाउच ले लो। बिल्कुल। भाई यहाँ पे खाना शुरू हो गया है और हमारे मौदहा का स्पेशल नाल गोश्त, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, तो ये है हमारे मौदहा का। नहीं नहीं बैठ नहीं रहा, ये नाल गोश्त दिखा रहा हूँ ऑडियंस को। ये देखिए ये है आपका मौदहा का नाल गोश्त, बड़ा लजीज फेमस। ये देखिए पूरे बारह गांव में मशहूर है हमारा। आ गया है हमारा जर्दा। अब यहाँ पे निकाह की तैयारी हो रही है, चुनाव में लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अकबर भाई से जिताने की। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ना जिताए। और सभी भाई बढ़िया? सब बढ़िया। स्वागत है, स्वागत है। हाँ मैंने लड़ी नहीं ना। फखरुद्दीन भाई? फखरुद्दीन भाई हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से स्पेशली शादी में? हाँ शादी में। शादी में दरोगा जी हम मोहब्बत है ही है पूरी पूरी। फखरुद्दीन भाई से बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, स्वागत हो रहा है। दूल्हे के रिश्तेदार हैं ये, यहाँ पे स्वागत स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं डाल दिया मेरा मंत्री। तो बहुत बढ़िया जो है। तो शादी बुरादे मतलब सबसे मुलाकात हो जाती है। हज वाला लेके घर में डाल दे तो हज की नौबत आवा थी, लेके डाल दे तो शादी की नौबत आ जाए। क्या है बैठा इन्हें? देखो इन्हें महंगा वाला गजरा डालो है। गजरा डाल के स्वागत कर दिया गया। आप जो तो जीत रहे हैं और जनता की सेवा करें। अस्सलाम वालेकुम। खजान भाई सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। आजकल आप एकदम फुल एक्टिव हैं। नहीं भाई माशाल्लाह से। और प्रवेश और भाई बहुत मुश्किल चलते हैं। हाथ के साथ में दोबारा खा लिया जाएगा। मान गए यार, दबा दी नहीं तेने। भैया नल्ला नहीं करी है, जितने नल्ला नहीं करी है बराती चाहिए। भाई ये हमारा ये देखिए चर्बी वाली बोटी है। हाँ तो दचेर के खा ले तो न रह जाए। बरात में मिलक का आओ क्या बरात के खाने में? तो आओ तुम भी खाओगे, तुम तीन बार खाओगे, हम एक ही बार खा रहे हैं फर्क है ना। चार घंटा बैठ के तो दचेरी है भाई, बहुत गरम गरम बच्ची यार। मौदहा का नाल गोश्त पूरे बारह गाँव में बहुत ज्यादा फेमस है। बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया। क्या बात है, हमारे चाचू तो मिले, चाचू है हमारे। तब वही भतीजों को बैठाए गोद में। वालेकुम अस्सलाम जी, तरह बड़ी उम्र हो सारे लोग बैठे हैं आपका। कहाँ
मेरी खा दे क्या भाई? हाँ आपकी शादी तो नहीं हुई? सुबह ही निकाह हो गया है। पूरा कोई नहीं, कोई नहीं, ये बहुत जरूरी है। नायद भाई को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, निकाह हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने की तरफ। उसके बाद ये कोट पैंट चेंज करेंगे और फिर सलमान खान से सारी रस्में होंगी। फाइटर छुराई, बिरिया लगवाई, सलाम करमनी, सबको ले लिया भाई, यही चाहे पूरे ब्लॉग में। हम सभी दोस्त बहुत समय बाद बहुत डांस कर लिया है। हमारा बचपन का दोस्त जवानी में आके मिला है। अब बुढ़ापे में न मिले, बुढ़ापे हो चुका है सीधा। अभी एक बड़ा बिजनेसमैन हो चुका है। मैं आ गया हूँ जहाँ पे मदहा का बड़ा फेमस कढ़ाओ का नाल गोश्त चढ़ा हुआ है। और हम मैं दिखा दूँ कि हमारे यहाँ पे जब शादी होती है कितने बड़े बड़े कढ़ाओ होते हैं। ये आठ आठ मन के कढ़ाओ हैं, एक दो और तीन, क्या है, आठ आठ मन के हैं। हाँ अंदाजा है, अंदाजा है कि आठ से दस मन का एक कढ़ाव है। कि मतलब जो है ना, दुई अगर दुई कढ़ाव बन जाए तो पूरी बारात निपट जाए। थोड़ा सा चला के दिखाओ भाई, ये मोदा वाले बड़ा मिस कर रहे हैं, स्पेशली जो इंडिया से बाहर हैं। क्योंकि इंडिया वालों को तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो इंडिया से बाहर हमारा मोदैया है उसको ये कढ़ाव का नाल गोश्त, जिसके लिए वो खुशबू के लिए तरसते हैं। नहीं हकीकत है, सऊदी वाले से बोलो भाई, बिल्कुल हकीकत है। आप बिरयानी जर्दा कौन किनारे सब करी, सब नाल गोश्त में जुटे रहे। क्योंकि भाई बिरयानी जर्दा तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो ये आपका कढ़ाव वाला है और यहाँ पे बन रही है आपका गर्मा गर्म तंदूर की हमारी नांद, जिसे कहते हैं नांद गोश्त, दोनों कॉम्बिनेशन। जा रहे दूल्हा को खाना खिला रहे हैं और खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आप कैसे हैं? बस एक नंबर माशाल्लाह से। चलो बहुत अच्छा, आपसे मुलाकात होकर बड़ी खुशी हुई। अरे बिल्कुल, मुझे भी बहुत। मैं अक्सर आपको वीडियो देखता हूँ। बस आप सबके लिए बहुत मजा आता है सच में। नहीं नहीं बहुत बढ़िया जो है। काफी दिनों से डाला नहीं आपने? आ रहे हैं धीरे धीरे, आ रहे हैं सारे। अब जाके मैं डालूंगा बैक टू बैक। आपको हम नाल गोश्त दिखा के चले आए हैं एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी जनता को अपना हर एक रीति रिवाज किस तरीके से होता है सारी चीज़ें दिखाऊं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्यार सपोर्ट कम कर रहे हो, तो निपटा दो ये दो पूड़ी। ये दो नहीं गिनाइए, नहीं आप चार खाइए। हम चाहेंगे कि आप थोड़ी डबल खाना खा के जाए यहाँ से। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। सारे खा रहे हैं वेज। हाल देखो माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह से भाई काला जाम जिसकी मुझे तलाश थी। हमने कहा वेज भी ट्राई कर लें। अरे नहीं नहीं रहेगा संतरा भाई। देखो ये बाग है, यहाँ पे जो है ना कमरिया शरीफ में देखो संतरे भी लगे हैं कितने, एक दो तीन चार पूरे। अच्छा तो ये आपका संतरे का पेड़ है और यहाँ पे देखो हमारे लिए एक संतरा भी तोड़ा जा रहा है। पहली बार हम लाइव संतरा खा रहे हैं, मतलब लाइव पेड़ से तोड़ के। सुजाउद्दीन भाई हैं और सुजा के नाम से कमरिया में जाने जाते हैं और ये बताएंगे इसकी खासियत क्या है। तो बताइए, संतरा इलाहाबादी संतरा है, बहुत मीठा है, देख रहे एकदम से जानदार जानदार है। और ये जलीस भाई हैं, दूल्हे का जो खाना है वो स्टार्ट हो गया है। तो हालांकि पहले खा लिया था लेकिन हमने कहा नहायत का साथ भी देना है, तो इसलिए हमने आधा पेट खाया था और आधा पेट हम अभी खा रहे हैं। आधा पेट खाना खाया था, पेट नहीं खा गया मतलब, नहीं भाई खाना खाया था, पेट बोल रहा है यार, आधा पेट खा गया। थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमारी नजर अभी जो यहाँ का बड़ा फेमस जर्दा है वो जर्दा खाएंगे। अच्छे से खा लेना क्योंकि अब पता नहीं रात में तुमको 10-11 बजे ही खाना मिलेगा। खिलाने वाले हैं, व्यवहार लिखा जा रहा है आपका, अगर बढ़िया। चलिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये खाना सुनना था। चल रहा है बिल्कुल, चेक कर लो कि बेल्ट है कि नहीं है। तो ऐसे हम लोग का खाना पीना हो गया है, महीने का हमारा क्या पहने कोट पहनने के रेस्टोरेंट। क्या नाम है? अक्सा। चेंज हो रहे हैं एंड हम लोग बाहर है, बाहर भाई बहुत अच्छा मौसम है भाई। अब हम रेडी हो गए हैं एंड दिखाते हैं दूल्हे राजा का हमारा। ये है भाई माशाल्लाह से नहायत का हमारा जोधपुरी और अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने जब दिल्ली में देखा था ना फोटो में, मैंने तभी बता दी कि भाई ये वाला बेस्ट लगने वाला है। देखो हर कोई पहनता है बट क्या ना, जोधपुरी थोड़ा जोधपुरी हो गया और एक और वो स्टाइल होता है मुझे नाम नहीं आता रहा, वो थोड़ा डिफरेंट की वाले के घर, क्योंकि वहाँ पे अब जूता चुराई वाली जो रस्म है वो होने वाली है। सबकी तरफ से नाहिद को अगेन शादी बहुत बहुत मुबारक हो, और बोलो यार कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, फैमिली मेंबर्स हैं सारे, बड़े पापा एंड चाचा, फैमिली फोटो शूट हो रहा है।
हमारे बड़े साले साहब हैं और ये छोटे साले साहब। अरे वाह भाई, मुबारक हो बहुत बहुत दोनों को, नाहिद को भी आपको भी। सारे हमारे सब्सक्राइबर आगे कुछ उधर खड़े उधर खड़े। तो यहाँ पे पूरा आतिशबाजी का जो है तो मायना हो रहा है कि कौन 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 से पड़ाके हैं इसमें सब। भाई रंगोली है, 60 हवाजा है, 30 हवाजा है। 60 हवाजा ये कौन सा देवा, 60 हवाजा कौन सा है, मतलब इसमें क्या 60 बार बाजा बजेगा? 60 नीचे 60 ऊपर। अच्छा 60 हवाजा। तो भाई आगे हम लोग विदाई करा के यहाँ पर इंतजाम हो रहा है एंट्री का। तो एंट्री हम लोग चाह रहे कि थोड़ा सा स्पेशल एंट्री करें, थोड़ा सा स्पेशल एंट्री करें, बस उसी की प्लानिंग चल रही है, उसी की तैयारी चल रही है। देखो रुखसत हूँ मैं भी, स्मार्ट हूँ भाई, अगली शादी मेरी होगी उमर भाई की, उसकी तैयारी करेंगे और पूरी ब्लॉग्स बनाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, पूरे अलग हो गए। ऐसे नहीं बने, ये लोग 11 हो गया आर्मी वाले। यहाँ पे साउंड रखा जा रहा है। अरे पापा देंगे चारों तरफ से पैसा पैसा, इधर ये पैसे लेने के लिए उधर वो बैठा है। सब नींग के चक्कर में दिन में उठा ऐसे नहीं चलेगा। 500 मैंने पड़े लेते भाई, ना इससे है ना 200 मैंने पटा रहा था भैया ने, बहुत साफ किया। सपोर्ट में हुआ आपके, बिल्कुल बहुत आगे बन के साली को देके आया उधर। भाई बहनों को भी देना है, नायद भाई दो। इसका जो है तो जो विदाई है वो ओवर हो गई, दुल्हन आ गई और बढ़िया निकल गया। तो ओके भाई, ओके भाई, शकल बिगड़ गई लेकिन आगाज से अंजाम तक बहुत मजा आया। और एक शायरी राजन भाई की शायरी, कहते हैं कि चांद को हुस्न और फूलों को नजाकत दी है, चांद को हुस्न और फूलों को नजाकत दी है, खुदा ने मिट्टी को इंसान की सूरत दी है। और हम चाहते थे कि आपके साथ कुछ और वक्त गुजारे, अफसोस ये है कि वक्त ने इतनी ही इजाजत दी है। ओके गाइस निकलते हैं सीधे घर पे, मिलते हैं।